शीतल जी, एक सवाल यहाँ पे है कि अगर बाला साहब ठाकरे के शिवसेना के 56 में से 40 से ज्यादा विधायक तोड़े जा सकते हैं, तो आम आदमी पार्टी के 62 में से 42 विधायक क्यों नहीं तोड़े जा सकते? 42 का मतलब 2/3। अगर शिवसेना टूट सकती, बाला साहब जिनके बारे में कहा जाता था कि भाई वहां तो शिवसैनिकों को तोड़ना असंभव स्थिति है क्योंकि वो तो हिंसा में भी विश्वास करते हैं, तो वो टूट सकते, ये क्यों नहीं टूट सकते? नहीं, दोनों में बुनियादी फर्क है। आम आदमी पार्टी जिस तरह की पार्टी है, दिल्ली खासकर, जहां टूट सकती थी वहां टूट गई, ये लगता मेरी आवाज, जहां टूट सकती थी, जैसे उत्तराखंड में अभी चुनाव हुआ, वहां जो इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार थे और पूरी एक तरह से उनका पैनल ही पूरा का पूरा बीजेपी में चला गया। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल खुद अपनी पार्टी को 24 घंटे मार्च ऑन पे रख, खुद एक एक एमएलए, विधायक, मंत्री, अफसर, इवन ट्वीट करने वाले, सपोर्ट करने वाले, आईटी सेल, सब पे नजर रखते हैं, सब में 24 घंटे वो खुद काम करते रहते हैं। इसलिए वो इतना आसान नहीं है यहाँ दिल्ली में उनकी पार्टी को तोड़ना, और दिल्ली के बाहर वाले उनके पोर्शंस को तोड़ा जा सकता है, वो अगर कोई किसी लायक हो, जहां जिस लायक था वो चला गया, तो ये एक फर्क है। अब मैं उस पर आता हूँ मुद्दे पर कि जो आपने प्रश्न उठाया है। देखिए, ये तो चर्चा बहुत दिनों से थी, जब वे उत्तराखंड के चुनाव में और गोवा के चुनाव में ये देखा जा रहा था, और साथ ही पंजाब के चुनाव में। पंजाब में तो चूंकि पिछली बार भी चुनाव में वातावरण था, तो इस बार न होने की वजह ही नहीं थी, लेकिन जो इसमें खर्च करने की स्थिति थी, उसमें हम ये पा रहे थे, सारे लोग ये पा रहे थे कि आम आदमी पार्टी किसी से पीछे नहीं थी। बहुत तगड़ा उसका प्रचार प्रसार था, जिसकी कॉस्ट होती है, जिसमें पैसे लगते हैं, और ये चर्चा हो रही थी कि ये इस बार इनके पास इतना पैसा कहाँ से है गोवा में खर्च करने के लिए और दूसरी जगहों से। ऐसी भी चर्चा आई कि उनके पास भी एक अमर सिंह आ गया है, विजय नायर नाम का आदमी, जो इस FIR में है, जो अभी FIR हुई है, जो 9 से ज्यादा लोग जिसमें है, उसमें एक नाम विजय नायर का है। ये विजय नायर नाम का एक संदिग्ध नाम एक उभरा, ये पार्टी में था पहले से, लेकिन आप तो चूंकि रहे हैं तो आप जानते ही हैं, लेकिन वो कभी इस स्थिति में नहीं था जैसा वो एकाएक इस समय हो गया है। पिछले एक साल से करीब वो आदमी सेकेंड मैन हो गया था एकाएक, और बहुत सारे लोग जो हैं, जो पार्टी में दूसरे काम वाम करने वाले थे, उन सब लोगों के लिए वो अजीब हो गया था, आंख की किरकिरी भी। लेकिन केजरीवाल साहब के साथ ऐसा होता रहता था, वो कभी किसी को पसंद करते, कभी किसी को, लेकिन विजय नायर की दूसरी शख्सियत थी। और इसलिए इस केस में जो एक बाहरी आदमी एक तरह से आया है, जो शराब ठेकेदार भी नहीं है और जो कोई ब्यूरोक्रेट भी नहीं है, लेकिन एक ही नाम आया है इस FIR में, वो विजय नायर का है, कि मुझे एक फोन भटिंडा से आया था जब चुनाव चल रहा था पंजाब का, कि सर जी तो चार्टर्ड भी यूज करने लगे, तो शायद कोई फ्लाइट चार्टर फ्लाइट पे केजरीवाल गए होंगे या क्या होगा, तो वो आया था। तो ये सब चीजें अरेंज हुई एकाएक, जिसमें नजर आया कि कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं, जो सामान्यतया आम आदमी पार्टी की अपनी कुव्वत से थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा नजर आ रहे, ये चीजें थी। फिर बीजेपी ने थोड़ी ढील भी दी, कभी मुद्दा भी उठाया, वो था कि जब बंगले का रिनोवेशन हुआ, एक जमाना था कि केजरीवाल साहब कहते थे कि वो 2 कमरों के फ्लैट में ही रहेंगे, चाहे मुख्यमंत्री बने या कुछ भी बने, एक आदर्श स्थापित करते से लगते थे, वैसी ही ढीली ढाली शर्ट पहनना, चप्पलें वगैरह वैसी पहनना, और उसमें बहुत लगता था एक आम आदमी बनने की कोशिश करते हुए नजर आते थे। लेकिन फिर बाद में उन्होंने बंगला भी लिया, फिर उस बंगले के रिनोवेशन काफी खर्च वर्च किया, काफी उसको सजाया वजाया भी, उसके बारे में बहुत सारी चीजें उठी, बीजेपी ने कुछ दिन उसको गर्म किया, लेकिन फिर बाद में बीजेपी ने अपने को चुप किया। एक्चुअली बीजेपी मौका तलाश रही थी, इनको गलती करते हुए देखना चाहती, और इसी बीच उसने जो सत्येंद्र जैन वाला केस था, जो एक पुराना केस है, जब वो पार्टी में आए नहीं थे, उस जमाने के जमाने से उनकी कुछ फाइलों में, भाई पहले इस पार्टी पहले बहुत से लोग बहुत सी चीजें करते रहते हैं, और उनको व्यवसायी परिवार से थे भी, तो एक एंट्री का इशू है जो भारत में बहुत कॉमन है व्यावसायिक सर्कल्स में। उन्होंने कलकत्ते की एक डमी कंपनी को एंट्री लिए करीब 5.25 करोड़ की, और उससे यहाँ कुछ कर्जे वर्जे दिए, उसको फॉलो करके ईडी ने उनको पकड़ लिया, और उस मामले में देखिए 85 दिन हो गए हैं, वो जमानत नहीं करा पा रहे हैं, वो मामला खाली नहीं है। हल्ला मचाना अलग चीज है, हल्ला मचा सकते हैं आप,
केजरीवाल साहब को बिल्कुल आता है मोदी जी को कॉपी करना और वो नॉन इशू बनाना और इशू को बड़ा कर देना, और वो उसी समय समझ गए थे कि सत्येंद्र जैन के बाद हमारे शराब वाले मामले पे शायद शीतल जी से लगता हमारा नेटवर्क टूट गया, लेकिन सिसोदिया जी का नाम ले लिया था, चूंकि सिसोदिया डिप्टी चीफ होने के नाते सिसोदिया जी इंचार्ज रहे, तो वो जानते थे कि ये बात तक आएगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।